सलामती हर चीज पर मुकद्दम। पाक फौज इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अदा। बाज़ अनासिर गुमराहकुन मुहिम के जरिए इदारे और आवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। शुरका का प्रोपोगेंडा मुहिम का सख्त नोटिस। आइन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ISPR इदारे अपना काम करें, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले कानून के गिरफ्त में आएंगे। अब पंजाब नहीं पाकिस्तान स्पीट होगी। पार्लियामेंट के बकिया मुद्दर डेढ़ बरस, हमने कितना अरसा रहना है, फैसला इतिहादी मुशावरत से करेंगे। नून लीग की सोच है कि इस्लाहात करें और इलेक्शन में जाएं। सियासी सरगर्मियों की सबको इजाजत है, किसी को इंतजार नहीं फैलाने देंगे। वजीर आजम की मीडिया टॉक, देख लें अल्लाह ने अशकन पहना ही दी। सहाफी के सवाल पर जवाब। मौशी बहाली अवलीन तरजीह, आवाम को रिलीफ और महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम तजवीज़ किए जाएं। अहदाफ का वाज़ेह तायुन भी किया जाए। वज़ीर आज़म की हंगामी बुनियादों पर सिफारिशात तैयार करने की हिदायत। मुमताज़ माहरीन पर मुश्तमिल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का भी फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी खजाना की मजमू कौमी बैलेंस शीट पर ब्रीफिंग। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की जानिब से भी नेक तमन्नाओं का इजहार। रूसी सदर की शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। उम्मीद है नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाहमी तालुकात और दो तरफा तआवुन के फरोग पर खुसूसी तवज्जो देंगे। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का आज कराची जाने का प्रोग्राम। बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। MKM के मरकज बहादुराबाद भी जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, वज़ीर आज़म ने सिफारती पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया। लंदन में पाकिस्तानी मिशन को हिदायत जारी कर दी गईं। इस हकदार के पासपोर्ट की तजदीद की भी हिदायत। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी पूरी करूंगा, दो तीन माह में इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले वतन वापस आ जाएंगे, हो सकता है मरियम नवाज लंदन जाएं। राणा सनाउल्ला की प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। MKM को वजारतें और मुफादात मुबारक, जल्द पता चलेगा इन्होंने गलत फैसला किया। मरासला चीफ जस्टिस को मिल गया, इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान इस्माइल। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए। तो मुस्लिम लीग के 5 सालों में इतना डेफिसिट हुआ था जितना खान साहब इस साल करके गए। ज़र मुबादला के जखायर को इस्तेकाम देना और उसको बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान का मालियाती खसारा 5600 अरब से ज्यादा, जाने वाले शहबाज शरीफ के लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गए हैं। इन्होंने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। सूरत हाल में बेहतरी लाकर दिखाएंगे, मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत गिराने के लिए मुबैना साजिश का मामला, कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने मरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बेशतर अराकीन ने इस्तीफे अपोजिशन लीडर को जमा करा दिए।
पार्टी क़यादत के हिदायत मिलते ही स्पीकर सूबाई असम्बली को भिजवा दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां। वज़ीर खुराक अली शान सोनी, डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज और पार्लिमानी सेक्रेटरी बहालियात अकबर इब्राहिम ने तहरीक जमा करा दी। राय शुमारी के लिए इजलास 15 अप्रैल को तलब। कोरोना की पांचवी लहर दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद 101 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.47% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के मैरियट होटल में इफ्तारी के दौरान झगड़ा। नूर आलम पर फिकरा कसने पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर मुश्तइल। शहरी से हाथापाई, दीगर शुरका बेच बचाव कराते रहे। नूर आलम खान ने थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करा दी। आज़ाद कश्मीर में माही सयाम के दौरान भी बिजली की तवील लोड शेडिंग। शहरों में 8, देही इलाकों में 10 घंटे बिजली की बंदिश। गर्मी के सताए शहरी सहर व इफ्तार में भी अजियत में मुब्तला। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने कौम से माफ़ी मांग ली। पुलिस की जानिब से आए जुर्माना भी कबूल कर लिया। पार्टी गेट स्कैंडल पर 50% से ज्यादा वोटर्स का बोरिस जॉनसन से वजारत उज़्मा छोड़ने का मुतालबा। जो बाइडेन ने अमेरिका में महंगाई का जिम्मेदार रूस को करार दे दिया। गैस की कीमतों में 70% इजाफा यूक्रेन पर हमले के बाद हुआ, अमेरिकी सदर का खिताब। हुकूमत तब्दीली के बाद चेयरमैन पीसीबी इन एक्शन। 100 बच्चों को आलमी मयार के मुताबिक कोचिंग दी जाएगी। 30,000 रुपये महाना वजीफा दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी। नेपाल की आम से क्रिकेट लीग खास बन गई। एक ही ओवर में हैट्रिक और एक रन आउट समेत लगातार 6 विकेट गिरने पर शायकीन हैरान। लेफ्ट आर्म स्पिनर ने खुशी के इजहार के लिए शाहिद आफरीदी का अंदाज भी अपनाया। और मोंटे कार्लो में साबिक नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त। सर्बियन खिलाड़ी गैर मारूफ स्पेनिश शरीफ डेविड विविक पोकिना से हारकर पहले ही राउंड से आउट।